Assalamualaikum एवरी this दिस इज़ मोहम्मद Ahmed अहमद और आज की इस वीडियो में इस तो टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेलाइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट अब देखिये हम अक्सर मैंने सुना है स्टूडेंट से बॉइलिंग पॉइंट को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हुए कि टेम्परेचर व्हिच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं तो भाई अगर एक वाटर को 40 डिग्री टेम्परेचर देंगे ना 40 डिग्री ज़्यादा नहीं 40 डिग्री तो वो भी गैशस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा मगर ये बॉइलिंग का प्रोसेस नहीं है ये एवापोरेशन का प्रोसेस है एवापोरेशन का प्रोसेस है तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिसमें कोई भी लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए तो ये जो टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं ना ये टेम्परेचर वो पॉइंट होना चाहिए जिसमें किसी भी लिक्विड का जो इंटरनल प्रेशर है इंटरनल प्रेशर वो बराबर हो जाना चाहिए किसके एक्सटर्नल प्रेशर के तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर टेम्परेचर एट विच इंटरनल प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर ये वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर 40 डिग्री भी टेम्परेचर है मगर हम यहाँ बॉइलिंग का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम यहाँ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं एवोपरेशन का मतलब इस 40 डिग्री पर ये दोनों प्रेशर आपस में इक्वल नहीं है मगर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का इंटरनल प्रेशर और उसके बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाएंगे ना उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट का नाम देंगे अब इंटरनल प्रेशर क्या चीज़ है और एक्सटर्नल प्रेशर क्या चीज़ है तो जब आप बात करते हैं लिक्विड के इंटरनल प्रेशर के बारे में तो इसका मतलब होता है लिक्विड का वेपर प्रेशर जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में इसका मतलब यह हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट का नाम देंगे और उस टेम्परेचर पर कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स नहीं जैसे एबोप्रेशन में तो सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स एबोपोरेटों होकर गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे थे उस टेम्परेचर पर कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल नहीं पूरा का पूरा लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा गैशियस फेस में कन्वर्ट होना इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं अब इसमें एक कॉन्सेप्ट यहां पर ये यह आता है पॉइंट पॉइंट के कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो भाई पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया अगर हम इसको देखें तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटर मोलिकुलर या इंटर अट्रैक्शन क्योंकि अगर इंटर मोलिकुलर एट्रैक्शन या इंटर मोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी मॉलिकुलस के दरम्यान तो उसको तोड़ना उसको बाहर निकालना और उनको गैश स्पेस में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा जैसे वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की मिसाल ले लें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड है इसके मुकाबले में जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड से कम है ऐसा क्यों है क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज्यादातर नॉन पोलर नेचर के हैं जिसके अंदर वीक वॉल्व फोर्सेस पाए जाते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है मगर उसके मुकाबले में अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर हमें देखता देखते हैं कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका मतलब वो स्ट्रोंगर सेकेंडरी बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्गर सेकेंडरी के बॉन्ड का मतलब उनके दरम्यान इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या है ज्यादा है तो इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है तो पहले क्या है इंटर मोलिक्यूलर एट्रैक्शन पर डिपेंड करता है इसके अलावा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है साइज ऑफ मॉलिक्यूल भाई मॉलिक्यूल्स का साइज अगर ज्यादा होगा इसका मतलब लार्जर मॉलिक्यूल होंगे तो इनके दरम्यान इंटर मॉलिक्यूलर एट्रैक्शन भी ज़्यादा डेवलप्ड होगा अब मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि मेरे पास दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं एक के अंदर छः कार्बन मौजूद है और एक के अंदर दस कार्बन मौजूद है तो दस कार्बन वाले मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो वेंटरबॉल फोर्स होंगी उस छे कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स के बनस्बत ज्यादा होंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा तीसरा हमारे पास एक और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर कहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और कहीं पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा अक्सर पेपर में एक रीज़न आता है वो ये है कि ऐसा क्यों है कि जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं जो ऊंचाई पर मौजूद है वो इलाके जो ऊंचाई पर है पहाड़ों पर है वहाँ पर खाने को जल्दी बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है अब इसको अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल साइंस के टर्म में समझें ऐसे क्यों है तो हमें एक बात पता है कि जो प्रेशर है ना, प्रेशर और अगर हम कहें हाइट यानी अल्टीट्यूड ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं तो वैल्यू यानी एल्टीट्यूड ऊंचाई कम रखेंगे बट जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड ऊंचाई में इजाफा करेंगे तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ग्राउंड लेवल पर जो प्रेशर है वो प्रेशर हमें दस हजार फीट की ऊंचाई पर नहीं मिलेगा क्योंकि तो आप जैसे ही ऊपर की जाने जाएंगे मॉलिक्यूल्स गैशियस मॉलिक्यूल्स की तादाद विद द इंक्रीज ऑफ हाइट वो कम होती चली जाएगी और प्रेशर होता क्या है प्रेशर बेसिकली क्या है प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया जब मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप्ड होगा मगर क्योंकि हम अगर ऊपर की जानब जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो रही है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो वहां पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल 100 डिग्री से कम हो जाता है तो वहां के लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं वो क्या काम करता है वो आप कंटेनर को लॉक करके उसके इर्द गिर्द प्रेशर डेवलप करता है जिसकी वजह से उस कंटेनर का अंदर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बढ़ जाता है और उसके अंदर मौजूद वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है अब इसको थोड़ा तो सा हम डीपली समझते हैं बेसिकली क्या होगा अगर हम जैसे ही एल्टीट्यूड पर जाएंगे एल्टीट्यूड पर जाने से हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम होना से शुरू हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है वो टेम्परेचर जिसमें इंटरनल प्रेशर ऑफ़ लिक्विड किसके बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो जब आप उसको इस लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे ना तो उसको बहुत थोड़े से एनर्जी की ज़रूरत है किसके बराबर होने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होने के लिए क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो कम है अल्टीट्यूड पर तो वो बहुत थोड़ी सी एनर्जी लेगा और अपने इंटरनल प्रेशर को किसके बराबर ले आएगा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ले आएगा वो चीज़ बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी क्यों क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पर एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है इसके मुकाबले में प्रेशर कुकर क्या काम करता है कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है लॉक कर दिया स्टार्ट किया तो उस टीम के जरिए जो कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है वो डेवलप करता है एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ करता है जिससे लिक्विड को अपना इंटरनल प्रेशर इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है टेम्परेचर यानी हीट एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है इंक्रीज़ हो जाता है तो प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ताल्लुक कैसा है डायरेक्ट अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लें या इसको एक्सटर्नल प्रेशर कह लें लिक्विड का इंटरनल प्रेशर कह लें या वेपर प्रेशर कह लें तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे